दोस्तों हमें गैलेक्सी S11 के बारे में बातें करते हुए अब बहुत दिन हो गए। हमने इसके रेडर्स देखे और इसके बहुत से रूमर्स भी सुने, पर दोस्तों आज हमें इसका एक्चुअल लीक मिला जो ये दिखा रहा है कि ये डिवाइस एक्चुअली में फ्रंट से देखने में कैसा दिखाई देगा। और दोस्तों जैसा ओनलीक्स ने कुछ दिन पहले दिखाया ही था कि इसमें फ्रंट कैमरा का होल अब की बार डिस्प्ले के सेंटर में होने वाला है, सैमसंग ने गैलेक्सी नोट 10 के जैसे इसे साइड के बजाय सेंटर में प्लेस करने का डिसाइड किया। और दोस्तों यही एग्जैक्टली हमें गैलेक्सी S11 का स्क्रीन प्रोटेक्टर दिखा रहा। दोस्तों जैसा आप देख ही सकते हो कि इसके होल की साइज गैलेक्सी नोट 10 के होल से भी छोटी है, जो एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि दोस्तों हमने कुछ दिन पहले इसकी कैट से कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में सुना था कि सैमसंग अब की बार गैलेक्सी S11 में होल की साइज डिक्रीज करने जा रहा है। और दोस्तों आप ये भी देख सकते हो कि इसके बेजल्स बहुत ही ज्यादा थिन है और जो चिन है वो गैलेक्सी नोट 10 की चिन से भी बहुत ज्यादा छोटी दिखाई दे रही है, जिसमें अब तक की सबसे छोटी चिन है। और दोस्तों इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड है। और दोस्तों मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं जो बॉक्सियर डिजाइन होती है वो उसको ज्यादा पसंद करता हूं, जैसी गैलेक्सी नोट 10 की है, पर अब ये जैसी है वैसी है। और दोस्तों अब ये भी कन्फर्म है कि हमें आने वाले दिनों में गैलेक्सी S11 के और भी लीक देखने को मिलेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं आपको हर एक के बारे में अपडेट रखने वाला हूं। तो सैमसंग नोट 10 का एक लाइट वर्जन भी ला रहा है जिसे वो गैलेक्सी नोट 10 लाइट नाम देने वाले हैं। और रिसेंटली हमने इसके कुछ स्पेक्स भी देखे थे जो बता रहे थे कि इसमें एक्सिनोस 9810 प्रोसेसर होने वाला है, जो सेम ही प्रोसेसर है जिसके साथ लास्ट ईयर गैलेक्सी नोट 9 आया था, और एक की इसमें 6 GB की रैम होगी और डेफिनेटली इसका एक 8 GB रैम वाला भी वेरियंट होगा। और अब दोस्तों हमारे पास इसके सेल्फी कैमरा की इन्फॉर्मेशन भी आ गई है। अकॉर्डिंग टू ईशान अग्रवाल इसका फ्रंट कैमरा 32 MP का होने वाला। और अब देखने वाली बात ये होगी कि ये गैलेक्सी नोट 10 से भी अच्छी सेल्फी ले पाता है या फिर नहीं, पर दोस्तों हमें इसका अब जल्दी पता चलने वाला क्योंकि सैमसंग इसे इसी महीने लॉन्च करने जा रहा है।